हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में सीखा था चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। किसका? फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है मैटर का, जिसके कारण मैटर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू, दोनों से ही चार्ज को डिनोट करते हैं। और इसका SI यूनिट जो है ये कूलम होता है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि किसी बॉडी का जो चार्ज है वो है ऐसे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे बॉडी के चार्ज को? क्यों से रिप्रेजेंट करोगे या फिर स्मॉल क्यों से रिप्रेजेंट करोगे? और ये कितना हो जाएगा? तो हो सकता है वो 2 कूलम हो जाए या फिर हो सकता है वो -5 कूलम हो जाए। दोनों से, मतलब कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी बॉडी पे। और चार्ज दो तरह के होते हैं, हमें मालूम है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों होता है। यहाँ पे स्मॉल क्यू से ऐसा मत समझ लेना कि नेगेटिव चार्ज, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप दोनों को ही कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चार्ज के बारे में हमने सीखा था। इस वीडियो में हमें सीखना है कि चार्ज जो है वो क्या है? कंजर्व्ड है। क्या है? चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि देखो, द नेट चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कोई अकेला सिस्टम। क्या? कोई अकेला सिस्टम, जैसे कि ये रूम हो गया, ये रूम अभी आइसोलेट है। आपने कोविड के समय में सुना होगा कि उनको आइसोलेट किया गया, उसको आइसोलेट किया गया, मतलब क्या? उसको अकेला रखा गया है ना। तो जो जिस रूम में रखा गया वो उसके लिए क्या था? वो आइसोलेटेड सिस्टम था। ठीक है, सो आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है, नेट चार्ज, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, जितना रहेगा उसमें उतना ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, दूसरी तरह से आप ये भी कह सकते हो कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको एक बॉडी से, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड चार्ज इज कंजर्व का मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है कोई, ठीक है, गोला सा सर्कल बना दिया, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक, अब जो है इसमें चार्ज रख देता हूँ मैं 3, ले सपोज कि मैं चार्ज रख देता हूँ इसमें 2 क्यू रख देता हूँ मैं, 5 क्यू रख देता हूँ और 7 क्यू रख देता हूँ। तो इसमें जो टोटल चार्ज है, ले सपोज यहाँ पे ना ये माइनस का है 2 क्यू, तो ये क्या होगा? इसमें जो टोटल चार्ज है, इसको थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद क्या होगा? ये चार्ज हो सकता है कि एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाए, हो सकता है कि यहाँ से चार्ज इस पे ट्रांसफ़र हो जाए या फिर यहाँ से इस पे ट्रांसफ़र हो जाए, एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, लेकिन इस पे जो नेट चार्ज होगा, थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद जो इस पे नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? तो नेट चार्ज इस पे बना लेता हूँ सर्कल में, ठीक है, तो लेट सपोज कुछ ऐसा हो गया। कैसा? तो भाई 2 क्यों 5 क्यों, और यहाँ पे जो है ये x आ गया, x जो है मालूम नहीं क्या है, ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे x क्या होगा? तो x ये है कि इस आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो है क्या है? कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, बदलेगा नहीं, यानी कि कैसे है? कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पे -2 क्यू +7 क्यू और +5 क्यू इक्वल टू कितना होगा? 2 क्यू +x +5 क्यू। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से x निकल जाएगा तुम्हारा आराम से। अब तो यहाँ पे ये x जो है वो q में निकल के आएगा, जो कि चार्ज होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है और इसमें जो जितना चार्ज इधर है वही चार्ज इधर रहना चाहिए, बदलता नहीं है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये चार्ज इस कंजर्व्ड का जो है कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा, कि चार्ज जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम में क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। बात क्लियर है? अब देखते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज।
चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या मतलब है इसका? तो बहुत सिंपल मतलब है, देखो जो चार्ज होता है ना, चार्ज को सिंपल तरीके से जैसे तुम एलजेब्रा के जो है एडिशन करते हो ना, सब्ट्रैक्शन करते हो, उसे तुम ऐड कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन नहीं, ऐड ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो चार्ज के मतलब टाइप्स पे डिपेंड करेगा, नेगेटिव पे या फिर पॉजिटिव पे। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास चार्ज है ना, लेट्स सपोज एक चार्ज है ऐसे 2 कूलम है, 5 कूलम है, ठीक है, 7 कूलम है, 7 कूलम है। तो इसको ना तुम सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हो एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, जैसे कि 2q प्लस 5q प्लस 7q कितना हो जाएगा, 12q बोल रहा हूँ मैं, कूलम हो जाएगा। ठीक है, 12 कूलम हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से चार्ज को तुम क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज कि चार्ज तुम्हारे पास कुछ ऐसा होता है, कैसा ऐसा होता, इस तरह से -2 कूलम, 5 कूलम, 7 कूलम, तो इनको ऐड कर सकते हो सिंपल तरीके से, है ना, नॉर्मल तरीके से इनको ऐड किया जा सकता है, -2 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस 7 कूलम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 कूलम। ठीक है, प्लस में इसी तरह से और भी ले सकते हो तुम, क्या -5 कूलम, 2 कूलम और फिर 1 कूलम। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, इन सबको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, ऐड कर दो तो ये तुम्हें मिल जाएगा कितना, -2 कूलम। ठीक है, तो इस तरह से जो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज को तुम सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हो, या फिर हाँ सिंपल तरीके से तुम ऐड कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट क्या, यहाँ पे ये जो चिन्ह है ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा सब्ट्रैक्शन जब जहाँ पे ये माइनस का तुम्हारा रहेगा। ठीक है, सो आई होप तुम्हें ये भी बात क्लियर हुआ। अब देखते हैं बहुत ही ज़रूरी बात जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत ही ज़रूरी है, क्या है इसका मतलब? तो देखो सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो जो सबसे छोटा चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जो किसी भी दूसरे चीज़ पे जो है डिपेंड नहीं करता है, वो क्या है? तो वो है 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो क्या है, वो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है। अब 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है तुम्हें मालूम होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ये होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, इतना चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे। क्लियर है बात? ठीक है, तो किसी मतलब सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली वो ये है। ठीक है, वो क्या है, ये है। अब हम समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि अब इसके अलावा किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज हुआ, किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज होता है तो वो इस फंडामेंटल चार्ज, इसको हम फंडामेंटल चार्ज भी बुला देंगे। क्या बुला देंगे? फंडामेंटल चार्ज भी बुला देंगे। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इस फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बोले तो इंटीग्रल का क्या मतलब है, तो किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा ठीक है, वो कैसे होगा, तो वो कुछ इस तरह से होगा। चार्ज को क्यों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कुछ इस तरह से होगा। वो हो सकता है 2e होगा, या फिर हो जाए कि वो जो है 4e हो जाए, है ना, या फिर बॉडी पे चार्ज जो है 5e हो जाए, या फिर बॉडी पे चार्ज जो है माइनस का 7e हो जाए। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस फंडामेंटल चार्ज होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। समझ में आया तुम्हें? तो अगर किसी बॉडी पे 2e चार्ज होता है तो इसका क्या मतलब है, उस बॉडी पे जो चार्ज है मालूम है कितना है, 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम उस बॉडी पे चार्ज है। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे 4e चार्ज है तो क्या मतलब है, 4 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम उस बॉडी पे चार्ज है। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे 5e चार्ज है, 5e, तो इसका क्या मतलब है, 5 × 1.6 ×
टेन रेज टू पावर माइनस 19 कूलम उस बॉडी पे चार्ज है, ठीक है। सो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो इस चार्ज के फंडामेंटल चार्ज का जो है इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि क्यू जो है यहाँ पे 7/5e हो जाए, ऐसा होना नहीं है बिल्कुल भी, इस तरह से नहीं हो सकता है, ठीक है। ये नहीं हो सकता है, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से किसी बॉडी पे ऐसे चार्ज नहीं हो सकते हैं। आप खुद सोचो कि किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकालने से या फिर इलेक्ट्रॉन को डालने से ही बॉडी चार्ज होता है, तो बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या फिर एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, या फिर बॉडी में दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या फिर दो इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो या फिर दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। आधा इलेक्ट्रॉन तुम नहीं डाल सकते हो बॉडी में, या फिर बॉडी में से आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो। सोचो, खुद इस बात को तुम सोचो, ठीक है। या फिर आप किसी बॉडी में क्या 10 डाल सकते हो इलेक्ट्रॉन या फिर 10 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ऐसा ही करोगे ना। कभी भी हाफ जो है ना नहीं डालोगे या फिर अपॉन में नहीं लोगे, ठीक है। तो यही कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहलाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर मैं कहता हूँ कि किसी बॉडी पे चार्ज जो है क्यू, कैपिटल क्यू से भी मैं लिख सकता हूँ, किसी बॉडी पे चार्ज जो है 7/9 है, 9e है, माइनस 7/9e, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी बॉडी पे चार्ज। क्लियर है बात? तो इसको, इससे ये कंक्लूजन यहाँ पे निकल रहा है कि क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस एन ई लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये एन जो होगा ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। यहाँ पे प्लस माइनस तो पहले से ही है, तो इसको ये इंटीजर भी बना देगा अगर प्लस माइनस को साथ में ले लेते हो तो। और वैसे भी एन जो है नेचुरल नंबर, इंटीजर भी होता है, ठीक। तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला भी बन जाता है तुम्हारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लेकर के, ये एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला भी बन जाता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे प्लस माइनस को इग्नोर कर सकते हो तुम, एन ई को फोकस कर सकते हो। ये कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आया, ठीक। अब इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जगह छूट गया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कैन अ बॉडी हैव दिस मच चार्ज, क्या एक बॉडी पे इतना चार्ज ले सकते हो तुम? दिमाग लगाकर सोचो, क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है? तो बिल्कुल हम इसको जांच करेंगे। कैसे करेंगे? तो अभी अभी हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, क्यू इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। यहाँ पे चार्ज जो है गिवन है किसी बॉडी पे, इतना चार्ज कितना, 9.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 17 कूलम गिवन है। और ई हमें मालूम है कितना है, ये है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। और अगर हम n निकालते हैं, यहाँ से हम n को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक। और n निकालने पे अगर ये n तुम्हारा, अगर ये n आता है क्या, n आता है कोई इंटीजर, इंटीजर आता है n, या फिर यूँ कह लो नेचुरल नंबर आता है, तो कहोगे कि बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है। देखो कैसे, इसको सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए ना, और ये n क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे चार्ज कितना है हमारा, चार्ज है 9.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 17 कूलम, ठीक है, माइनस 17 कूलम, ओके। और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा n इंटू यहाँ पे 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, तो 9.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 17 कूलम अपॉन ये कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम इज इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तुम इसको तो सी ख़त्म, ठीक है। और ये पॉइंट हटा दो, बचा क्या, तो बचा ये 96 इंटू ये जो है इसको ऊपर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो इंटू 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, इंटू 10 रेज टू पावर हो गया 2, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 16 इक्वल टू n। क्लियर है बात? यहाँ से आगे कैसे करोगे, तो आगे ऐसे करोगे, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो
सिक्सटीन, वन जा सिक्सटीन, और यहाँ पे क्या है, सिक्सटीन सिक्स जा जो है 96 होता है। ठीक, तो कितना हो गया ये 6 × 10⁻², जो कि कितना है, n इज इक्वल टू 600। तो ये क्या है, n जो है 600, ये जो है एक नेचुरल नंबर है, ये 600 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इतना चार्ज बॉडी पे हो सकता है, क्योंकि ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है क्या है, 600 इंटू मल्टीपल ऑफ e है। ये जो चार्ज है ये कितना है, ये जो चार्ज है ये है 600 इंटू मल्टीपल ऑफ e, समझ रहे हो ना बात। तो इतना चार्ज बॉडी पे बिल्कुल हो सकता है। ठीक, सो आई होप ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया होगा, बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर तुम्हें समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए आप लोग, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।